And I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. क्या कमजोर पड़ा है इंडिया अलायंस? क्यों एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं इसका साथ? क्या कांग्रेस पार्टी का सारा ध्यान केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, या फिर वो ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। पहले ममता बनर्जी, फिर भगवंत मान, फिर जगदीश शेट्टार और अब नीतीश कुमार, एक के बाद एक करके इंडिया अलायंस को झटके लगते जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, जहां वो देश की जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज एक होकर भी एक नहीं हो पा रही है। जब इंडिया अलायंस बनी थी, तब इसकी शुरुआत जो है वो सभी पार्टियों ने जोर शोर से किया था। इसकी पहली मीटिंग भी नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में हुई थी, वही जगह जहां पर अब इंडिया कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा किया जा रहा था, अब उन्होंने ही बीजेपी से हाथ मिला लिया है। लेकिन इस लिस्ट में केवल नीतीश कुमार का नाम ही शामिल नहीं है। इंडिया अलायंस से सबसे पहले दूरी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनाई। हालांकि वो इंडिया अलायंस से अलग नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में वो वेस्ट बंगाल में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ नहीं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें टीएमसी को 22 सीट, बीजेपी को 18 और कांग्रेस के हाथ 2 सीटें आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2014 के जनरल इलेक्शन की तुलना में 2019 में बीजेपी ने 16 ज्यादा सीटें हासिल की थी। वहीं टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 2 सीटों का। तो वेस्ट बंगाल में सीधी लड़ाई जो है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है, और ममता बनर्जी बिल्कुल ही ये नहीं चाहेंगी कि बीजेपी का बंगाल में दबदबा बने। तभी तो जनवरी की शुरुआत में ही जब बंगाल में सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तब टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा था, जिस पर कांग्रेस थोड़ा नाराज भी हो गई थी। फिर बाद में टीएमसी ने वो 2 सीटों का फैसला भी वापस लिया और अकेले ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये फैसला लिया है कि वो पंजाब में पूरी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटें शिरोमणि अकाली दल, 2 बीजेपी और 1 सीट अन्य के हाथ आई थी। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2022 में आपने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद आपने ये सोचा कि वो अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर अकेले ही लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा को लेकर उन्होंने कहा है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये लिस्ट यही नहीं रुकी। नॉर्थ इंडिया के बाद इंडिया अलायंस को साउथ इंडिया से भी झटका लगा। कर्नाटक के बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी से नाराज हो गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी घर वापसी हो गई है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 1, जनता दल सेक्युलर को 1 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं जहां एक तरफ इंडिया अलायंस से एक के बाद एक नेता अपना साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जो यात्रा मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेगी। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में भी आने वाली थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और राहुल गांधी एक स्टेज पर दिखने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है वही इंडिया अलायंस के साथ में नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले ऑपोजिशन पार्टी का इस तरह से बिखरना जो है वो सही संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान जो है वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्षी एकता, जिसकी ये पार्टी इस बात किया करती थी, वो फिर से एक हो पाएंगी या नहीं। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।